नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं स्टार 7 टीवी न्यूज। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। लौह नदी पुल से तार नहीं हटा तो होगा आंदोलन। भाजपा की सरकार किसानों, व्यापारियों, छात्रों, मजदूरों के हितों को लेकर कई प्रकार की योजनाएं चला रही है, जिससे उनको राहत भी मिल रही है, लेकिन बिजली विभाग के लोग दुद्धी के व्यापारियों के साथ साथ अन्य स्थानों के व्यापारियों के साथ अन्याय कर रहे हैं, जिससे इसका सीधा असर सरकार की छवि पर पड़ रहा है। ज्ञातव्य हो कि दुद्धी सीमा पर लौह नदी है, जिस पर 2 वर्ष से पुल बन रहा था, जो 1 महीने पूर्व ही बनकर तैयार हो चुका है। आने जाने वाली बड़े वाहनों को डाइवर्ट कर दिया गया है, तब से लेकर आज तक डाइवर्ट ही है, जिससे व्यापारियों को अपने वाहनों को हाथी नाला से ही डाइवर्ट करवाना पड़ता है। इधर दुद्धी के म्योरपुर तिराहे से ही वाहनों का डाइवर्जन हो जाता है, जिससे व्यापारियों को 1,000 से 2,000 तक अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ रहा है। यदि मान लिया जाए कि 1,000 गाड़ियां प्रतिदिन गुजर रही हैं, तो व्यापारियों का 10 से 20 लाख तक का नुकसान प्रतिदिन हो रहा है, जिसका ठीक रास्ते पर सिर्फ बिजली विभाग पर ही तोड़ा जा सकता है। भाजपा नेता DCF चेयरमैन सुरेंद्र अग्रहरि ने कहा कि लौह नदी पर बने पुल से बड़े वाहनों को गुजरने के लिए 11,000 के तार को हटाया जाना आवश्यक है, जिसके लिए जनप्रतिनिधियों ने बिजली विभाग के अधिकारियों का अवगत भी कराया, लेकिन इन अधिकारियों के कान पर जू नहीं रह गई है। अग्रहरि ने कहा कि यदि इस सप्ताह में बिजली विभाग के अधिकारी उस तार को नहीं हटवाते हैं, तो व्यापक रूप से आंदोलन होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी बिजली विभाग की होगी। स्टार 7 टीवी न्यूज की कवरेज, मनीष कुमार की रिपोर्ट। इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए स्टार 7 टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करें।